हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई पी सी सी इंडियन यूट्यूब चैनल। आज 26 सितंबर 2020 है, जिसके पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी? तो 10। यह पार्क 2019 में लॉन्च किए गए प्लास्टिक पार्क योजना के तहत इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। इन पार्कों को मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और प्रत्येक परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसके तहत भारत सरकार ने 40 करोड़ प्रति परियोजनाओं को मंजूरी, यानी कि 40 करोड़ रुपए प्रति परियोजना को दी जाएगी। इसको केंद्रीय मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की मंजूरी की? तो उसमें 5 लाख रुपए मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? तो भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। हर साल 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर के अवसर पर पूरे देश में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन की घोषणा 2014 में हुई थी। यह दिन पहली बार 2014 में 25 सितंबर को मनाया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था और इनकी हत्या 11 फरवरी 1967 को मुगल सराय इनकी ट्रेन में इनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय संघ के अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस दुनिया में स्वास्थ्य सुधार के लिए फार्मेसी दवाइयों के लिए कीमतों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार इस्तांबुल तुर्की में FIP काउंसिल ने 25 सितंबर 2019 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाने की घोषणा की। तुर्की की राजधानी अंकारा, उन्हें के राष्ट्रपति हैं रिसेप लैम्बिप, प्रधानमंत्री है बिन अली यल्दरम और सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल। तुर्की का सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल। मुद्रा है लीरा। इस देश का कुछ भाग यूरोप तथा कुछ भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है, अतः इसे यूरोप तथा एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। यहाँ पर
3,256 खारे पानी की झीलें हैं इसके पूरब में। इसके पूरब में रूस और ईरान देश है, और पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया देश है, उत्तर में काला सागर है, और इसके दक्षिण में इराक, सीरिया और भूमध्य सागर है। तुर्की विश्व का 10वां सबसे अमीर देश है। अगला क्वेश्चन, है हमारा, हाल ही में किस राज्य में मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की गई? तो राजस्थान में, इसको राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। यह योजना अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए जो खर्चा होगा उसको हरिद्वार आने जाने के लिए इसका पूरा खर्चा देवस्थान विभाग उठाएगा। राजस्थान राज्य पथ योजना के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसकी राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। जनसंख्या की दृष्टि के देश का 8वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि में भारत का, भारत में 8वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह पहला स्थान है इसका। इसमें कुल जिले हैं 33, राज्य की स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा से लगे देश है पाकिस्तान। राजस्थान के जिले श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा से लगे जिले हैं। राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम पंजाब से। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पशु क्या है? चिंकारा। राजकीय पेड़ है खेजड़ी। राजकीय पक्षी है घोड़ावड़। राजकीय फूल है रोहिड़ा। राष्ट्रीय खेल है बास्केटबॉल। लोकतंत्र, राजकीय लोक नृत्य है घूमर। प्रथम मुख्यमंत्री हैं हीरालाल शास्त्री और प्रथम राज्यपाल हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई निधन हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के ये पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। डीन जोन्स ने 1987 में ऑस्ट्रेलिया की ओर से विश्व कप जीता था। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले। हाल ही में भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेशी में परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पृथ्वी 2। यह सतह से सतह पर 300 किलोमीटर की दूरी पर मार कर सकती है। यह अपने साथ 500 किलो से 1000 किलो तक का वजन ले जा सकती है। 20 नवंबर 2019 को चांदीपुर में पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। इसको 2003 में सेना में शामिल किया गया था और उसको DRDO ने बनाया है। इसको DRDO ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो खुशी चिंदालिया को नियुक्त किया गया है। खुशी चिंदालिया की उम्र 17 साल है। यह गुजरात सूरत शहर की हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है और इसके अध्यक्ष कौन है? इंगेर एंडरसन UNEP के अध्यक्ष हैं। केन्या की राजधानी नैरोबी। राष्ट्रपति है उहुरु कीनियाता।
यहाँ के प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा, और मुद्रा है कीनियन शिलिंग, यह पूर्वी अफ्रीका का देश है जिसकी जनसंख्या 4,04,00,000। यह यूनाइटेड किंगडम से 12 दिसंबर 1963 को स्वतंत्र हुआ था।